नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। लगातार हमारा कवरेज जारी है चौथे चरण के मतदान को लेकर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अगर अभी आपके इलाके में वोटिंग हो रही है, वोट आपने नहीं डाला है तो जरूर जाइए, वोट डालने के लिए पहुंचिए। लेकिन तस्वीरें जो आपने देखी, झलक जो आपने देखी मुंबई की, महाराष्ट्र की, तो आज दमखम वहां पर दिखाई दे रहा है जबरदस्त तरीके से सितारों का। सलमान खान, सलीम खान, पिता पुत्र की जोड़ी मतदान के लिए पहुंची सपरिवार। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खान परिवार ही मतदान के लिए पहुंचा, बल्कि तमाम फिल्मी सितारे जो मुंबई, जिनकी कर्मभूमि है, मतदान के लिए घरों से निकले हैं और अपने समर्थकों से भी अपील की है कि आप वोट ज़रूर डालें, वोट डालने के लिए ज़रूर पहुंचे। तो महाराष्ट्र में दरअसल चौथे चरण के चुनाव में कुल 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटें, सभी 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। और ऐसे में सितारों की ये तस्वीरें यकीन ध्यान आकर्षित करती हैं। ध्यान आकर्षित इसलिए भी करती हैं क्योंकि अपने जो भी बिजी स्केड्यूल है उससे अलग निकलकर लोकतंत्र की ताकत का पूरा सम्मान करते हुए, अपने वोट की कीमत पहचानते हुए लगभग हर फिल्मी सितारा आज पोलिंग बूथ पर दिखाई दिया। अमिताभ बच्चन मतदान के लिए पहुंचे, तो वहीं आप ऋतिक रोशन को देख रहे हैं दूसरी तस्वीरों में। बच्चन परिवार से ही अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, जया बच्चन, सभी लोग तस्वीरों में यहां पर दिखाई देते हुए। और लगभग हर साल मुंबई से ऐसी तस्वीरें आती है सामने जब सितारे मतदान के लिए पहुंचते हैं। और अगर सोशल मीडिया के दौर की बात करें तो सोशल मीडिया के दौर में एक क्रेज और यहां पर अलग से दिखाई देता है कि आप वोट डालने के लिए पहुंचे। मीडिया के सामने देखिए स्याही लगी उंगली दिखाते हुए अपने वोट की ताकत का एहसास कराते हुए, आम हो या खास, इन तस्वीरों में जाहिर है। और सोशल मीडिया पर तो ये क्रेज और अलग से दिखाई देता है कि हर व्यक्ति जो वोट डालकर आ रहा है वो अपनी स्याही लगी उंगली जरूर दिखाता है, इस बात की तस्दीक कराता है कि उसने मतदान किया। और यहाँ पर तेंदुलकर परिवार, सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे मतदान के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें सिर्फ किसी भी बड़े सितारे, चाहे वो फिल्मी जगत से हो, खेल जगत से हो या किसी और क्षेत्र से हो, सिर्फ उस परिवार तक ही सीमित नहीं, बल्कि इन तस्वीरों के जरिए कई ऐसे लोग जो उन्हें फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें भी प्रभावित करते हैं। सुनिए। मैं यही समझता हूं कि हर एक नागरिक जो है उसने आके वोट करना चाहिए। आई थिंक ये हमारे कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि सारा और अर्जुन का ये पहली बार वोटिंग अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए मैं उन्हें भी साथ में लेके आऊँगा, मेरे और अंजलि के साथ। तो हम यहाँ आए, हमने वोट किया है। मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आए, वोट करें, सिर्फ यहाँ नहीं मगर जहाँ भी वोटिंग चालू है वहाँ पे आप जाके वोटिंग कीजिए। सर मराठी, मराठी, सर मराठी, 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 मराठी। मी सगळ्यांना हीच रिक्वेस्ट करतो की वोट जरूर करा, कारण काही तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर हिंदी में भी, मराठी में भी अपील करते हुए कि सभी वोट देने ज़रूर पहुँचे। और दिलचस्प बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उनके दोनों बच्चों का ये पहली बार उन्हें वोट देने का मौका मिला, यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की अपनी भूमिका है इस बार के चुनावों में। और खुद चुनाव आयोग ने भी कहा था कि सभी अपने आप को रजिस्टर ज़रूर कराएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यहाँ पर हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल मतदान के लिए पहुंचे और वोट देने के बाद क्या कहा, क्योंकि हेमा मालिनी तो मथुरा से सांसद भी हैं और इस बार की प्रत्याशी भी हैं, लेकिन वोट उनका मुंबई में। सुनिए वोट के बाद क्या कहा। भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इसमें भाग लेना हर भारतीयों का फर्ज है, क्योंकि बाद में कुछ बोले नहीं, क्योंकि आज जो मोदी जी जो देश को लेकर आए हैं, जिस ढंग से आगे लेकर आए हैं, कितना सम्मान दिलाया, कितना सुरक्षा दिलाया, ऐसा और कोई नहीं कर सका जो काम इन्होंने किया है। प्लस सो मैनी विकास, इतना कुछ किया है, तो जो आज तक नहीं हुआ जो हो रहा है, तो जो बदलाव जो हो रहा है, इस बदलाव में सबको शरीक होना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए।
तो सभी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे वोट डाले। और ये देखिए, ये अलग अलग सितारों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ट्विंकल खन्ना, सोनाली बेंद्रे, ऐश्वर्या राय, उर्मिला मातोंडकर, माधुरी दीक्षित, रेखा, प्रियंका चोपड़ा विदेश में अब ज़्यादा रहती हैं प्रियंका, लेकिन वोट डाल